नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। सुबह कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर मेरा जो है सैंडिस कंपाउंड आना हुआ था, लेकिन कुछ एथलीट लोग जो यहां पे आप देख रहे हैं, इनकी कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर मैं राजनीति मुद्दे पर बात नहीं कर सका था। और इनकी क्या समस्या है, बात दरअसल ये है कि ये जो सारे एथलीट्स हैं, ये भागलपुर के जवाहर स्मारक केंद्र में स्टेडियम में ये अपना फिजिकल का प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद वहाँ पर किसी कारणवश ग्राउंड पर ताला लगा दिया गया है, जिसके बाद से ये सारे एथलीट जो है परेशान है। ये खुले मैदान में यहाँ पर दौड़ते हैं और यहाँ पर जो है जीर्णोद्वार जो है यहाँ पर फुटपाथ को लेकर नगर निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर इनको जो दौड़ने में समस्या आती है, परेशानी आती है। और ये जो है कई बार अधिकारियों से लेकर नगर विधायक तक आवेदन दे चुके हैं। ये इनका जो है आवेदन है, ये पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे चुके हैं, ये जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दे चुके हैं और माननीय विधायक से भी मिल चुके हैं, लेकिन इनकी जो समस्या है वो जस के तस अभी तक रखा हुआ है। हम इनसे ही बात कर लेते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनकी समस्या क्या है और ये कितने लोगों से, अधिकारियों से और नगर विधायक से मिले हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंशु यादव है। मैं विधायक जी से और डिप्टी मेयर से मैं मिल चुका हूँ। हमारी छोटी सी मांग है, हम एथलीट्स के लिए स्टेडियम जो है ओपन करा दिया जाए। और बाहर में हम लोग ट्रैक में दौड़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है, लड़कियाँ दौड़ती हैं, लड़के दौड़ते हैं, ऐसे क्या होते हैं कि असामाजिक तत्व द्वारा लड़कियों पर कॉमेंट की जाती है और लड़के द्वारा क्रिकेट खेले उसी से बॉल लगने की डर होती है। और जो हमारे ट्रैक है वो ट्रैक ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल, और नगर निगम के द्वारा जो कार्यरत है वो ट्रैक को हमारे बहुत तरह से ख़राब कर दिया गया। मैं चाहता हूँ इसे मरम्मत करा दिया जाए या हमारे जो पुराने थे नेहरू स्मारक केंद्र से खोल दिया जाए। सर, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आप जो वहाँ पर नेहरू स्मारक स्टेडियम में दौड़ लगाते, तो वो बंद जो किया गया किनके द्वारा बंद किया गया? जी, मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ, ये वर्चस्व की चीज़ है, ये हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा उसमें वर्चस्व कर दिया गया है। और हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की इसे खुलवाने के साथ, हम लोग साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद हमसे मारपीट भी की जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप विधायक जी से मिले हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले हैं, तो क्या कार्रवाई हुई? नहीं, हमें सिर्फ आश्वासन दी जाती है। फिर अंततः तो हम लोगों ने सोचा फिर से मैं आवेदन दूं और 200-300 लड़कों का हस्ताक्षर लेकर फिर से मैं मिलूं उनसे। तो इसमें से एक और एथलीट जो है ये प्राची है, और हम आपको बता दें कि प्राची जो है लगभग 5 गोल्ड इन्होंने इन्हें मिल चुका है और काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। और इनकी जो मेहनत है उसे देखकर इनके जो टीम है काफ़ी सराहना कर रहे थे और इनका जो है ये प्रशंसा कर रहे थे, तो उनसे भी बात कराते हैं हम आपको। प्राची, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या हम लोग के साथ ये है कि हम लोग का नेहरू स्मारक से हम लोग को निकाल दिया गया है। वहाँ हम लोग का प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा से हो रहा है। क्यों निकाल दिया गया? वहाँ शायद सुनने में आ रहा है कि ये क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा, हम लोग के लिए वहाँ बोला गया कि ऐसा आप लोग के लिए बाहर है, आप लोग बाहर दौड़िए। एथलीट के लिए सिर्फ एक ही बात बोला जाता है कि कहीं भी आप तो दौड़ सकते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस करना है कहीं भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई दौड़ने की जगह स्पेशल नहीं होती है। नहीं, मानते हैं एथलीट हैं, क्रिकेट से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा ये जो है परिश्रम भरा कार्य होता है। एथलीट कहीं भी दौड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं घोड़ा है किसी भी जगह, तो उसके लिए जगह समतल होने की ज़रूरत है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हम लोग को के लिए एक अच्छा सा स्टेडियम होना चाहिए, वो स्टेडियम खुल जाना चाहिए। और अगर नहीं भी खोल सकते तो हम लोग के लिए कहीं भी ट्रैक बनवाइए, आप हम लोग को व्यवस्था दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ दिनों से क्रिकेट क्लब के द्वारा वो जबरन बंद करा दिया गया है। हम लोगों ने कई बार खुलवाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारे कई साथी के साथ उलझे भी, लेकिन कोई हम लोगों का कोई मतलब समाधान नहीं निकला। तो हम लोग अपने से बड़े वाले ग्राउंड में कुछ ट्रैक मतलब सही करके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसमें कुछ दिनों से कार्य चल रहा है नगर निगम के द्वारा, आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें इसकी सामग्री गिरी हुई है जिसके कारण से हम लोग को रनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी लड़कों का पैर भी फ्रैक्चर हो चुका है, किसी को बहुत तरह का परेशानी आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं या तो हमारा पुराना ग्राउंड जो नेहरू स्मारक केंद्र था वो ओपन कर दिया जाए, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करें, और नहीं तो अन्यथा ये जो पुराना ट्रैक था इसको सही से किया जाए, जो कि हमको परेशानी आगे नहीं हो। और आगे 15 दिन के बाद बिहार पुलिस अभ्यर्थी का रनिंग है और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और आप ही लोग समझिए कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे वो अपने एग्जाम में सही से प्रिपेयर हो पाएंगे और तैयारी
करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग के लिए कोई अच्छा निर्णय लें और मतलब सही से ग्राउंड हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है कि इसमें जितने भी एथलीट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। इनको किसी को सेना में जाना है, किसी को राज्य सरकार राज्य पुलिस की नौकरी करनी है और किसी को अपने करियर की चिंता। लगभग सभी जितने भी एथलीट हैं सबको अपनी करियर की चिंता है और वो हमेशा से इस बात को लेकर सबसे बड़ी बात जो सामने यहाँ पर आ रही है कि लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, कमेंटबाजी किया जाता है और जब खुले मैदान में लड़कियाँ यहाँ पर अपना जो है अभ्यास करती हैं तो उनके साथ ऐसा जो है वाक्या सामने आता है। कुछ और हमारे साथ जो है महिला एथलीट हैं ये लोग हैं, अगर आप लोग बात करना चाहती हैं तो कोई अपनी अगर बात रख सकती हैं। मैम क्या समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? जी हम सबसे पहली समस्या है कि यहाँ पे ट्रैक सही नहीं है, पैर खराब हो जाती है दौड़ने में और अंदर का जो ट्रैक था वो बिल्कुल समतल था और नाप के अनुसार सही था तो हम लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा होता था और यहाँ पे बहुत सारी परेशानी आती है हम लोगों को प्रैक्टिस करने में। तो देख सकते हैं कि ये इनका जो है आवेदन है और ये बहुत सारे अधिकारियों से लेकर नगर विधायक तक मिलेंगे मिल चुके हैं और हम भी चाहेंगे कि इनकी जो मांग है वो पूरी हो और ये सारे जो एथलीट्स हैं इनका जो है ख्याल रखा जाए। हालांकि क्रिकेट भी बहुत ज़रूरी है लेकिन हमारे एथलीट्स का जो है उनका भी एक अहम योगदान है हमारे देश में, हमारे समाज में।